हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ रंजीता। वेलकम टू माय चैनल रंजीता डेली ब्लॉग। तो आज मैं दिखाने जा रही हूँ कि ताजमहल। चलो देखते हैं। ये हम लोग आगरा के अंदर आ गए हैं, मतलब ताजमहल के आसपास हो गए हैं। और इधर राइट साइड में देखिए, रेड रेड मकान, सारे मकान बिल्कुल मेहरून मेहरून दिख रहे थे यहाँ पे। तो राइट साइड में है आगरा फोर्ट और लेफ्ट साइड में है ताजमहल। तो चलो देखते हैं दोनों ही, आगरा फोर्ट और ताजमहल। तो ये देखिए, ये आ गया आगरा फोर्ट और हम गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे वीडियो बना रहे थे। और थोड़ी देर में पूरा वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा ज़रूर ताजमहल देखने का। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं अब बस आसपास हो गए ताजमहल की आसपास। गाड़ी पार्किंग के लिए ढूंढ रहे हैं। कितनी तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी इतनी तेज़ थी, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप। उसमें भी हम ताजमहल का मज़ा लिए घूमने का, देखने का। पे हम गाड़ी पार्किंग करके, ये वाली गाड़ी, पता नहीं ये इलेक्ट्रिक वाली गाड़ी है, ये कौन सी गाड़ी है, इसमें जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है और धूप में इतना दूर पैदल तो जा ही नहीं सकते। तो ये हमने एक बुक करवाया था, फिर इसमें हम गए, मतलब बहुत दूर गए इसमें बैठे बैठे। ये वाले उनके शायद जो ट्रैवल एजेंसी है उन्होंने ही लगवा रखा है। तो ये इसमें बैठ के हम गाड़ी पार्किंग करके इसमें गए, फिर टिकट करने गए। ये देखिए, हम आके पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर पे ही। गिर जाएगी पकड़ के, ये कॉपी कहाँ से कौन जल्दी तो खोल मंदिर देखिए।
देखिए यहाँ पे हम आके पहुँच गए हैं टिकट काउंटर में। अब जा रहे हैं यहाँ पे टिकट करने के लिए। तो रोहित ये समझ रहा है कि ये बाहर का जो मैरून वाला दिख रहा है ये शायद ताजमहल है। कौन धोला धोला भीतर अच्छी एटा ब्राउन एटा येटा एटा कौन ताजमहल ना। ये देखिए टिकट में हम मिली एक एक ये वाले चीट जो कि मेट्रो में मिलते हैं, फिर ये डाल के जाना पड़ता है। तो उस तरह की ताजमहल में भी मिलती है ये वाली, फिर डाल के फिर जाना पड़ता है अंदर। बच्चों के लिए तो नहीं, बस बड़ों के लिए ये है टिकट। फिर यहाँ पे बहुत चेकिंग होता है जो कि खाने का सामान हो गया, जैसे टॉफ़ी चॉकलेट वगैरह या बिस्किट वगैरह, ये अंदर जाने नहीं देते हैं क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि अंदर जाके ये गंदा हो जाएगा। मतलब प्लास्टिक या रैपर वगैरह नीचे डाल देते हैं तो फिर वो गंदा हो जाता है, इसलिए ये खाने की चीज़ जाने नहीं देते। बैग को चेक करके लेते हैं, अगर कुछ भी खाने का सामान होगा तो वो निकाल ही देते हैं वहीं पे। और ये आ गए हम सामान रख के, अंदर आ गए हैं एंट्री करने अब ताजमहल में ही। पिंधिया चल आगू चले पिंधिया। हमें तो टिकट कर लेनी। हां एक पर वो जमा कर से तब एक पर। हां हमें बेकार है ये करले खान पीन करे ले हमें जहां दिन से थे ना वो जानी हो रही है आज कोई देख हां वो ये तो सेफ तो है ना तो कर ले तो टिकट मु भाबले मो टिकट हजी गला मु जे मते धरि दे गेई आजकाली सब मोर पाकरे ये कोए गले सोनाली ओ मु कोही खाडे गले रे ए बडा सोई पडे छाई रे चलो आसिले अबागा चलो देखो भी सामने देखो ठीक
ଆସ ଆମେ ବୁଲିକି ଯାଇକି ବାହାରେ ବସିଥିବା ସେ ଆସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଇଛି ବୋଧେ वहाँ पर चलो किधर सीधा चलते हैं कुछ छाई बस मो देह जली गल क्यूता भी कौन अच्छी नमाज पढ़ा जाऊ गला फोपाड़ी फोपाड़ी दे चश्मा को फोपाड़ी देस देख ल फोपाड़ देखिए आई लाई के हाँ मैडम देख ले यारे मैडम हाँ नहीं नहीं के रोहित कह डेड बॉडी रखीदेवी हाँ से मान नुह चलो नदी में गाध आस खरा काट ला खरा काटला खरा काटला तार कृपया यहाँ से पैसे डाले तो रोहित को यहाँ पे लग रही थी बहुत तेज प्यास, रोहित यहाँ पे पानी भरने लगा है, फिर अपनी आप ही मुँह लगा के यहाँ पे पानी पीने लगा था उसने, और यही सोच रही थी कि मैं भी थोड़ी बड़ी हो जाती तो मैं भी ऐसे पी लेती। फिर दो हम सब आ गए और रोहित रिया तो बीच बीच में गुस्सा दिखा के खड़ी हो जाती थी, तो उससे समझा बुझा कर लेके आना पड़ता था। अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगे ताजमहल वाली, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।